बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर के चैप्टर 8 के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक है नॉर्मल क्लेचर ऑफ अल्कीन्स। नॉर्मल क्लेचर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का नॉर्मल क्लेचर कि उनके नाम रखने के असूल, कैसे नाम होंगे, क्या नाम होंगे, इनको देखेंगे। देखिए अल्कीन्स के नाम रखने के असूल रूल्स वही हैं जो अल्केन के नाम रखने के। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स आर सिमिलर टू दोज फॉर नेमिंग अल्केन। अल्कीन के नाम रखने के असूल वही हैं जो अल्केन के नाम रखने के असूल। रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ नेमिंग अल्केन। सेम रूल अल्केन और अल्कीन के नाम रखने के। पहला रूल हम देखते हैं, नंबर वन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करें। चेंज द नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। अल्केन के नाम के आखिर का एन हटा के इन लगा दें। लंबी चेन लें, अल्केन के नाम के आखिर का एन हटा के इन लगा दें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH2। यह हमारे पास कंपाउंड है, इसकी चेन को जरा हम खोल के लिख लेते हैं, जरा सही कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। जो टेढ़ी सी फील हो रही है हमें, ठीक है, CH3, CH2, CH2, CH2 एक मरतबा, CH2 दूसरी मरतबा और ये CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए हमारा ये ख्याल है कि लॉन्गेस्ट चेन ये होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पहला रूल बताया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हमने वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो कहीं भी नहीं है, ना इन कार्बन के दरमियान, ना इन कार्बन के दरमियान, ना ही इन कार्बन के दरमियान, ना ही इन कार्बन के दरमियान। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। दूसरा रूल होता है चेन की नंबरिंग करना। आप चेन की नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग बिगेंस फ्रॉम द एंड नियर द डबल बॉन्ड। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। इस एंड से दूसरी कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, इस एंड से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कार्बन पर आता है। तो हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजिशन को जाहिर करते हैं बाय द फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं, दूसरा कार्बन है और तीसरा। तो डबल बॉन्ड वाला फर्स्ट कार्बन कौन सा है? दूसरा कार्बन है। तो इसी के जरिए डबल बॉन्ड की पोजीशन जाहिर करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है या साइड ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप की पोजीशन को जाहिर करते हैं उस नंबर के जरिए जिस नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच होता है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट किसी कार्बन पे अटैच है, 3, 1, 2, 3 कार्बन वाला है, सीधी चेन वाला है, स्ट्रेट चेन वाला है तो नॉर्मल, 3 कार्बन वाला है प्रोफाइल। अच्छा हमने साइड चेन जो है उसकी पोजीशन में जाहिर कर दी, उसका नाम जाहिर कर दिया। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, फर्स्ट कार्बन एटम और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फर्स्ट कार्बन एटम दूसरा है, सेकंड कार्बन एटम तीसरा है। तो फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड है 2, 2, पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, हेक्सेन। अच्छा मैंने बताया था अल्केन के नाम के आखिर का एन हटा के वहां पे लगा देंगे ई, 3-normal-propyl-3-normal-propyl-2-hexene। तो पहला रूल हमारे पास हो गया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज पेरेंट चेन एंड चेंज द नेम ऑफ आइडेंटिकल अल्केन फ्रॉम एन टू ई। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अल्केन के नाम के आखिर का एन हटा के वहां पे लगा देंगे ई। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, हमारा सेकंड रूल,
सेकंड रूल होता है नंबरिंग, नंबर द चेन बिगेनिंग फ्रॉम द एंड नियर द डबल बॉन्ड। चेन की नंबरिंग करें उस एंड से करें, उस साइड से करें जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH CH2 CH CH CH3। अगर लेट्स सपोज ये लॉन्गेस्ट चेन है तो नंबरिंग हम इस साइड से करें या इस साइड से करें? नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां डबल बॉन्ड करीब पड़े, तो राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं पहली दूसरी कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी कार्बन पर, तो हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहले साइड ग्रुप जो है उसकी पोजीशन पांचवी कार्बन पे साइड ग्रुप है CH3, उसे कहते हैं मिथाइल। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन एटम, डबल बॉन्ड है दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान, तो फर्स्ट कार्बन एटम और डबल बॉन्ड क्या है, दूसरा है 2। पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, हेक्स डबल बॉन्ड है इन 5-methyl-2-hexene। तो दूसरा रूल हो गया चेन की नंबरिंग करना, नंबरिंग उस साइड से की जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता था। तीसरे रूल की तरफ हम चलते हैं, थर्ड रूल हमारे पास है, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की लोकेशन को जाहिर करना है कि वो कहां पे मौजूद है, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड वाली जो दो कार्बन है उनमें से पहली कार्बन जो है उसके नंबर को इस्तेमाल करेंगे, वही नंबर डबल बॉन्ड की पोजीशन को जाहिर करेगा। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑन द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन पे डबल बॉन्ड की लोकेशन को जाहिर करेंगे बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड के फर्स्ट कार्बन एटम को हम इस्तेमाल करेंगे। जी देखते हैं, हम एग्जांपल हमारे पास है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दूसरी कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, अगर राइट साइड से करते तो तीसरी कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड दूसरी कार्बन पर 2, पेरेंट चेन 5 कार्बन वाली है, पेंट डबल बॉन्ड इन 2 पेंटीन। ठीक है, इसी तरह से एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड वहां से करीब पड़ता है, 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता करना फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान, तो फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड है पहला, तो लिखेंगे 1। 4 कार्बन वाला है ब्यूट डबल बॉन्ड ई, डबल बॉन्ड दूसरी और तीसरी कार्बन के था दरमियान था, तो फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, दूसरा है, तो 2 पेंटीन। यानी डबल बॉन्ड वाली कार्बन में से जो पहली कार्बन है उसी के नंबर के जरिए हम डबल बॉन्ड की लोकेशन को जाहिर करेंगे। जी तो ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन एटम डबल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड वाली जो दो कार्बन है उनमें से पहले कार्बन के नंबर को इस्तेमाल करके डबल बॉन्ड की लोकेशन को जाहिर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन पे। फोर्थ रूल हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, साइड ग्रुप की पोजीशन, साइड चेन की पोजीशन। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन द चेन इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच दे आर अटैच्ड। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जाहिर करते हैं उस नंबर के जरिए जिस नंबर वाले कार्बन के साथ वो ग्रुप अटैच होते हैं। जी हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3। ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ स्टेट चेन,
नंबरिंग हम करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा, डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब पड़ता दूसरी कार्बन पे, राइट साइड से तो पहले दूसरी तीसरी चौथी में पड़ता दूर हो जाता। नंबरिंग कर लेंगे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले साइड चेन की पोजीशंस, ये साइड चेन है, ये साइड ग्रुप्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट हैं। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच दे आर अटैच्ड। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताया करेंगे उस नंबर वाले कार्बन के जरिए जिस नंबर वाले कार्बन के साथ वो अटैच है। ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे अटैच है तो इसकी पोजीशन 2 है। ये सब्स्टिट्यूएंट पांचवें कार्बन के साथ अटैच है इसकी पोजीशन 5 है। ये सब्स्टिट्यूएंट भी पांचवें कार्बन पे अटैच है इसकी पोजीशन 5 है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की पोजीशन को लिख लें। जी 2 पे है ग्रुप, 5 के ऊपर है ग्रुप, 5 के नीचे है ग्रुप, 3 ग्रुप हैं, ट्राई CH3 है, मिथाइल। अच्छा ये हमने ग्रुपों की पोजीशन लिख ली, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन। डबल बॉन्ड दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान, तो फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, दूसरा है 2, पेरेंट चेन 6 कार्बन वाली है, हेक्स डबल बॉन्ड हीम। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन प्रदान करते हैं उस नंबर के जरिए जिस नंबर वाले कार्बन के साथ वो अटैच होते हैं। 2 इस ग्रुप की पोजीशन प्रदान करने के लिए, पहला 5 ऊपर वाले CH3 की पोजीशन प्रदान करने के लिए, दूसरा 5 नीचे वाले की पोजीशन प्रदान करने के लिए। ठीक है, 3 ग्रुप है ट्राई CH3 है मिथाइल, डबल बॉन्ड दूसरी कार्बन पे है 2, 6 कार्बन वाला हेक्सेन। लास्ट रूल, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, दे आर अल्काडाइन फॉर 2, ट्राइन फॉर 3, टेट्राइन फॉर 4। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड है, डाइन 3 डबल बॉन्ड है, ट्राइन 4 डबल बॉन्ड है, टेट्राइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक ये वाला, एक ये वाला। नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लेफ्ट साइड, राइट साइड से करते हैं 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की लोकेशन प्रदान करें। ये डबल बॉन्ड है पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान, तो फर्स्ट एटम है पहला 1। फिर ये डबल बॉन्ड है तीसरी और चौथी कार्बन के दरमियान, फर्स्ट एटम कौन सा है, तीसरा 3। चार कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटा। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, डबल बॉन्ड के कहते हैं ईन। 1 और 3 पोजीशन शो कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, ये 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये 3 पे। चार कार्बन वाला कंपाउंड ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड है डाई ईन। ठीक है, तो ये रूल्स थे जिनके जरिए कहता ना अपना हमने नाम लिखे, दोबारा बता रहा हूं। पहला, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बन कार्बन एज डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा रूल, नंबर द चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड नियर द डबल बॉन्ड, चेन की नंबरिंग करें उस एंड से जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। तीसरा रूल, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड की पोजीशन प्रदान करेंगे डबल बॉन्ड के फर्स्ट कार्बन एटम को, नंबर को इस्तेमाल करके। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द लॉन्गेस्ट चेन बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच दे आर अटैच्ड। लॉन्गेस्ट चेन पे सबसे ग्रुप की पोजीशन प्रदान करें उस नंबर वाले कार्बन के जरिए जिस नंबर वाले कार्बन के साथ वो अटैच है। If a molecule contains more than one double bond, then indicate this by the use of prefixes. Molecule में एक सारा double bond है तो prefixes आपके इस्तेमाल करें, di, tri, tetra वगैरह। जैसे 1,3-butadiene, carbon 1 और 3 पे double bond है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।